नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा गजनपुर में एक प्रेमिका ने जिंस कारीगर को सिम देने के बहाने अपने घर बुलाया। बाद में युवती के भाई और पिता ने जिंस कारीगर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने युवती समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें कि थाना सैयद नगरी क्षेत्र के गांव ढक्का मोड़ उर्फ अलीपुर भोड़ निवासी 23 वर्षीय उवैश पुत्र जफरुद्दीन मलिक दिल्ली में रहकर जींस के कपड़े सिलने का काम किया करता था। दो दिन पहले वह घर पर आया हुआ था। पिता जफरुद्दीन का कहना है कि मंगलवार रात पड़ोस की अक्षा पुत्री इरशाद दर्जी ने सिम देने के बहाने उवैश को घर पर बुला लिया। अक्षा, उसके पिता और भाइयों मिलकर उवैश को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। उवैश जब चंगुल से छूटकर बाहर आ गया तब हमलावरों ने यहां उसके बाद उसे कई गोलियां मार दी। 23 वर्षीय उवैश की मौके पर मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। देखा तो उवैश का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अक्षा और उवैश के मोबाइल कब्जे में ले लिए गए हैं। थानाध्यक्ष वरुण कुमार ने बताया कि उवैश व अक्षा के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। तहरीर के आधार पर अक्षा, उसके पिता इरशाद, भाई नवाजी अयान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात्रि थाना सैयद नगरी क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। प्रकरण में मौके पर पुलिस बल द्वारा पहुंच के वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जैसा उसमें अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, पूरे प्रकरण में जांच करके आगे कार्रवाई होगी। इसमें कितने लोग, जो मुकदमा है वो चार लोगों के विरुद्ध लिखा गया है, आरोपी हिरासत में है। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।